पंजाब के रूपनगर विच एक महिला सहायक प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली है। और नौकरी मिलन के बावजूद ज्वाइनिंग ना होने तो परेशान सी। मृतका की पहचान बलविंदर कौर वजो हुई है। मौत नू गले लगान तो पहला प्रोफेसर बलविंदर कौर ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिस विच उसने सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस नू अपनी मौत का जिम्मेवार दसिया। नौकरी ज्वाइन करन दी मांग नू लैके सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस दे पिंड गंभीरपुर दे बाहर पिछले कई दिनों तो धरना दे रहे 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर अते सहायक लाइब्रेरियन फ्रंट दी मैंबर बलविंदर कौर ने नहर विच छाल मार दित्ती। बलविंदर कौर दा स्कूटर सरहंद नहर दे कंडे तो मिलिया, पर अजे तक उसका कोई सुराग नहीं मिलिया। पुलिस नू एक सुसाइड नोट मिलिया, जिस ते लिखा गया है कि उसनू विधायक अते सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खुदकुशी करन लई मजबूर कीता है, उन्हां नू सजा मिलनी चाहीदी है। हालांकि मामले दे विच सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दा वड्डा बयान आया है। मंत्री बैंस ने घटना नू मंदभागी दस्सिया है ते कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे नू हल करन दे लई हर संभव यतन कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतका दे नाल उन्हां दा सीधा कोई संपर्क नहीं सी, इस करके मृतका वालों चुके गए कदम बारे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन मामला सामने आने तो बाद मंत्री हरजोत बैंस ते पंजाब दी मान सरकार विरोधियों के निशाने ते आ गई है। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ते कांग्रेस दे सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने घटना नू मंदभागा दस्सिया ते मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करन ते अस्तीफा देन दी मांग कीती है। 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो बड़े लंबे समय तो पंजाब सरकार दे खिलाफ हरजोत बैंस दे खिलाफ भगवंत मान दे खिलाफ धरने ते सी, जिन्हां दे नाल सरकार ने बहुत वड्डा धोखा किया। पहला उन्हां नू वायदा करता कि तुहानू भर्ती करांगे, कुछ ज्वाइन भी कराते, 135 ज्वाइन कराते, 483 नू DPI हैडक्वार्टर ते ज्वाइन कराता, मगर स्टेशन नहीं दिता और फिर उन्हां तो इस्तीफा ले लिया। लै दे के 1158 तो 1000 असिस्टेंट प्रोफेसर इह जा सी जिहड़ा पहला किथे ना किथे नौकरी करदा सी, आप दा गुजर करदे सन, आप दी परिवार दी देखभाल करदे सन, उन्हां नू नौकरियां छड़ा के नवीं नौकरी जिहड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर दी सरकार ने देनी सी उहदा लालच दे के उहदा झासा ला के उहनां नू भर्ती करन दा वायदा कीता, मगर अखीर च धोखा करता। अज उहदा रिजल्ट यह निकलिया कि जिहड़े लंबे समय तो बैठे सन, कुछ दिन पहला वह धरने च भी शामिल हुई है, मैं हुणे फोटो शेयर करूंगा, साडी भैण बलविंदर कौर जिन्हां दा आ सुसाइड नोट सामने आया, जिहदे च उहने आप दी मौत दा जिम्मेवार सिद्धे मंत्री हरजोत बैंस नूं ठहराया। और यह मानसिक परेशानी उहनूं इस तरीके की गुजर रही सी उस मानसिक परेशानी चों कि उन्हां आप दे दो बच्चे भी जो होने वाले सी वह भी इस परेशानी करके वो नहीं हुए, वह भी उन्हां दी डैथ हो गई। और उसने आप दी ये चिट्ठी च मैं वो लाइन पढ़ के सुनाना चाहुंदा, मेरी आत्महत्या की सारी जिम्मेवारी मंत्री हरजोत बैंस की है, हरजोत बैंस नू मैनू मारन दी ते मेरे बच्चियां नू मारन दी सख्त तो सख्त सजा दिती जावे, अते पंजाब सरकार प्रोफेसरां नू कॉलेज विच भेजण, मतलब वो जिहड़े बाकी रह गए मेरे साथियां नू, ओ मेरे हालात जो बने आ उन्हां दे ना बनन, उन्हां नू नौकरी मिले और मेरी ते मेरे बच्चियां दी मौत दा कारण हरजोत बैंस। हुण मैं पुछना चाहुंदा SSP साहब सोनी जी नू रोपड़दिआं नू, थोनू तां जिथे इलीगल माइनिंग नहीं दिसदी, हाईकोर्ट थोड़ी खिचाई करे थोनू ओ नहीं दिखदी, फॉरेस्ट लैंड च रज के माइनिंग हो रही है, लुट घसुट हो रही है, थोनू ओ नहीं दिखदी, मैनू लगदा थोनू ये चिट्ठी भी नहीं दिसनी और मैनू थोड़े तो आस कोई नहीं, मगर मैं इंसाफ पसंद लोगों नू बेनती करदा कि भाई वड्डी गिनती जे इस लड़ाई च शामिल होके इस मंत्री हरजोत बैंस के खिलाफ कार्रवाई होवे, उते परचा दर्ज होवे, उदे अस्तीफा लिया जावे और उन्हूं अंदर भेजा जावे जिन्हें इस तरीके की धोखेबाजी धोखाधड़ी इन्हां प्रोफेसरां नाल कीती है कि अज उन्हां दे मानसिक हालात एडे विगड़ गए है कि जो हालात जो पंजाब दे बन रहे। और वो जसविंदर कौर जिहड़े इन्हां दे प्रधान ने
ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਖੁਰਤਬੁਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ 35 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 483 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ।